नमस्कार, मैं हूं मुस्कान अजमानी और आप देख रहे हैं देश का लोकप्रिय चैनल प्राइम टीवी। चलिए रुक करते हैं यूपी की कुछ बड़ी खबरों की ओर, जहां यूपी पुलिस के पदों में इस समय काफी बदलाव देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में डीजी जेल रहे आनंद कुमार को कारागार विभाग से हटाकर जीजी कोऑपरेटिव बना दिया गया है, जिसके बाद उनके पीआरओ रहे संतोष वर्मा ने उनके जाने के बाद एक खुला पत्र लिखा है और पत्र में उन्होंने लिखा कि किसी भी अफसर की यही पूंजी है कि वो कुर्सी पर रहे या ना रहे, दिलों में जरूर रहते हैं। तो यूपी में आईपीएस अफसरों का तबादला लगातार जारी है, वही प्रशांत कुमार को ईओडब्ल्यू का अतिरिक्त चार्ज दिया गया है। खबर अंबेडकर नगर से है, जहां बालू के अवैध खदान को लेकर जिलाधिकारी ने कड़ी कार्रवाई की है। डीएम ने पुलिस अधीक्षक के साथ अवैध खनन स्थल ग्राम मांझा सलारपुर का औचक निरीक्षण किया और निरीक्षण के दौरान पता चला कि बड़े पैमाने पर अवैध रूप से बालू निकालने का खेल लगातार चल रहा था, जिसके बाद डीएम ने अवैध भंडारित बालू और दो पोकलैंड को सीज भी करवा दिया है। साथ ही इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई के भी दिशा निर्देश दिए गए हैं। अवैध खनन के खिलाफ लगातार कार्रवाई देखने को मिली, तो अवैध बालू खनन के खिलाफ डीएम ने सख्त निर्देश दिए हैं। पोकलैंड की मशीन और भंडारण को भी डीएम के दिशा निर्देश पर सीज कर दिया गया है। लखनऊ के बख्शी का तालाब तहसील में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जहां डीएम सूर्यपाल गंगवार पहुंचे। बता दें कि इस अवसर पर उन्होंने सभी लोगों की समस्याएं सुनी। समाधान दिवस के दौरान दो महिलाओं की गोद भराई, दो बच्चों का अन्नप्राशन और एक बच्चे का केक कटवाकर जन्मदिन भी मनाया। वह संपूर्ण समाधान दिवस में आए मामलों का तत्काल निस्तारण करने के दिशा निर्देश भी दिए गए। समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जहां डीएम ने जनता की समस्याओं को सुनते हुए तत्काल अधिकारियों को उनके जो समस्याओं का निदान है उसके निस्तारण करने के भी दिशा निर्देश दिए हैं। साथ ही इस दौरान उन्होंने अन्नप्राशन किया और बच्चों का बर्थडे भी सेलिब्रेट किया और समाधान दिवस के मौके पर केक भी काटा है। खबर सुल्तानपुर से है, जहां स्कूल चलो अभियान का भव्य आगाज किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ सांसद मेनका गांधी, डीएम सहित अन्य लोगों ने मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण और दीप जलाकर किया। वही कार्यक्रम में उत्कृष्ट शिक्षकों और मेधावी छात्राओं को सम्मानित किया गया, जबकि कार्यक्रम के दौरान डीएम ने कहा कि स्कूल चलो अभियान में एक नोडल अधिकारी बनाया जाए जो इस अभियान में सहयोग करे और घर घर स्कूल और ईंट भट्टों जैसी जगहों पर जाकर इनरोलमेंट बढ़ाने का प्रयास करें, साथ ही बच्चों के लिए मिड डे मील की व्यवस्था भी करें जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चे स्कूल में पढ़ सकें। हमारी आदरणीय योगी जी की सरकार बनी है, डबलिंग सरकार काम कर रही है, तब से आप देख रहे हैं, आप लोग मीडिया के भाई हैं, आप बेहतर जानते हो 2017 पहले क्या स्थिति थी और आज क्या स्थिति है। सुनिए मेरी बात, 2017 पहले क्या थी, आज क्या स्थिति है। आज हम लोग जिस जगह से निकलते हैं लगता है ये प्राइमरी विद्यालय है, लगता है कायाकल्प इतना बढ़िया हो गया, व्यवस्था हो गई है और संख्या भी अभी माननीय मुख्य अपने उद्बोधन में कहे हैं वैसे भी हम जानकारी करें 17 के पहले क्या स्थिति है, उसके बाद हमारी क्या हम संग बच्चों संख्या भी बढ़ाए हैं, अध्यापक संख्या बढ़ी है, व्यवस्था अच्छी हुई, आप चाहते क्या है देखिए। जबकि आपके यहाँ इस प्राइमरी में सबसे ज्यादा शिक्षित शिक्षकों द्वारा शिक्षा दी जाती है, कहाँ कम इस बार क्या ज्ञान और संचारी रोग अभियान दोनों कार्यक्रम आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने शुभारम्भ करी है और वही प्रोग्राम हम लोगों ने यहाँ देखा। हमारे मान्य जनप्रतिनिधि, सांसद जी, विधायक जी, सब लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं और बहुत अच्छा प्रोग्राम किया गया है। जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं कि नोडल ऑफिसर बनाए जाएं, जो स्कूल चलो अभियान में सहयोग करें, घर घर जाएं, स्लम्स पे जाएं, ईंट भट्टों पे जाएं, सब ऐसी जगहों पे जहां ऐसे बच्चे मिल सकते हैं जो स्कूल नहीं जाते हैं वहां जाएं ये अधिकारी और बच्चों का इनरोलमेंट बढ़ाएं, वो हम लोग भी प्रयास करेंगे। इसके अलावा शिक्षकों को मोटिवेट करना कि स्कूल में रेगुलर आएँ। बाराबंकी के विकास खंड मसौली क्षेत्र के अमदहा स्थित शिरडी साई बाबा मंदिर स्थापना दिवस पर दो दिवसीय साई भजन संध्या का आयोजन किया गया। साई भजन संध्या में क्षेत्रीय विधायक गौरव रावत, विजय लक्ष्मी आई हॉस्पिटल के सर्जन डॉक्टर विवेक कुमार वर्मा ने साई बाबा के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वही कार्यक्रम में भाजपा MLC अंगद सिंह, पूर्व MLC हरगोविंद सिंह और पूर्व प्रमुख सुरेंद्र सिंह के द्वारा संयुक्त रूप से साई बाबा की आरती की गई, जिसके बाद साई लंगर में हजारों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया।
तो रामनवमी के अवसर पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां तमाम संस्तुतियों और भजनों को अत्यंत संजीदगी से प्रस्तुत कर ऐसा समा बांधा कि श्रद्धालु भाव विभोर हो गए हैं। तो हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे थे। वहीं शिरडी साई बाबा मंदिर का स्थापना दिवस था, जहां पर बड़ी संख्या में भक्तगण पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने लंगर का प्रसाद भी ग्रहण किया था। बुलंदशहर में खुर्जा स्थित मदीना मीट फैक्ट्री के सुपरवाइजर का शव फांसी के फंदे पर लटका मिला था, जिसके बाद परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा काटा और फैक्ट्री में तोड़फोड़ भी की। बता दें कि अब मृतक की पत्नी ने फैक्ट्री के मालिक और मैनेजर समेत 5 लोगों के खिलाफ हत्या करने का मुकदमा भी दर्ज करा दिया है। वह मृतक की पत्नी ने FIR में लिखा कि फैक्ट्री के मैनेजर कर्मचारियों के बीच फूट डालते थे, जिसका मृतक विरोध करता था। इसी के चलते इन लोगों ने उसकी हत्या कर दी है। फिलहाल पुलिस ने फैक्ट्री के मालिक और अन्य के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है। मौसम बरसात, यहाँ पे ओलावृष्टि भी बहुत हुई है। जिस तरीके से ठीक पीछे कैमरा पर्सन से कहेंगे दिखाने की कोशिश करें कि देखिए गेहूं किस तरीके से बर्बाद हुआ, नीचे गिर गया है। और देखिए अच्छा भला गेहूं था, अच्छा गेहूं था, लेकिन फसल बर्बाद हो गए। ठीक हम अपने दिखाते हैं, यहाँ पे देखिए हमारे ठीक पीछे यहाँ पे गेहूँ किस कदर गिरा पड़ा हुआ है। और अच्छा गेहूँ था, लेकिन बिन मौसम बरसात और ओलावृष्टि ने किसान को बर्बाद कर दिया है। अच्छा गेहूँ था, गेहूँ बर्बाद हो गया बरसात की एरिया से, ओले पड़े हैं, सब खराब थे। अरे किस किस फसल पे, जैसे सरसों है, गेहूँ का ज्यादा नुकसान है, गेहूँ सबसे ज्यादा नुकसान है सब फसलों से। इस समय गेहूँ तैयार रहते हैं, गेहूँ तैयार था, नुकसान के साथ ये कुछ किसान भाई थे जो बता रहे हैं कि गेहूं का नुकसान, सब फसल बर्बाद हो गई है। बिन बादल बरसात, बिन मौसम बरसात, यहां पे ओलावृष्टि भी बहुत हुई है। मौसम बरसात, लखनऊ में MI अपार्टमेंट के अंदर एक व्यक्ति का बच्चे की पिटाई करते हुए वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में नशे में धुत व्यक्ति बास्केटबॉल कोर्ट में बच्चे की पिटाई कर रहा है, जिसके बाद पीड़ित बच्चे के परिजनों ने पुलिस को इसकी सूचना दी है। वहीं गोमती नगर विस्तार थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो नशे में धुत व्यक्ति ने बच्चे की खुलेआम पिटाई की है, जिसका वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। खबर सहारनपुर से है, जहां पुलिस लाइन के बाहर 4 लोगों में आपस में जमकर लात घूसे चले, जिसका वीडियो भी अब सामने आ रहा है। बता दें कि पुलिस लाइन में बने महिला थाने में दो पक्ष सुलह समझौते को लेकर पहुंचे थे, लेकिन सुलह समझौता तो नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही दोनों पक्ष पुलिस लाइन से बाहर निकले, तो एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर लात घूसों से जमकर हमला बोल दिया। और सड़क के बीच हो रही मारपीट को देखकर पास में खड़े कुछ पुलिसकर्मी भी बीच बचाव करने के लिए पहुंच गए, जिसके बाद पुलिसकर्मियों ने दोनों पक्षों को अलग किया। खबर सुल्तानपुर से है, जहां पिछले 4 दिनों से गायब व्यवसायी का पता ना चलने से नाराज परिजनों ने जमकर हंगामा किया है। वह व्यवसायी की पत्नी बच्चों को लेकर चौराहे पर पहुंच गई और जाम भी लगा दिया, जिसके चलते घंटों से बलिया लखनऊ राजमार्ग जाम रहा और पुलिस जाम खुलवा पाने में नाकाम रही है। वहीं जानकारी मिलते ही अन्य व्यवसायी भी अपनी दुकान बंद कर इस धरने में शामिल हो गए हैं, और ये पूरा मामला कादीपुर कोतवाली के नगर क्षेत्र का है। घर पे वो काफी परेशान थे, उन्होंने हमने बोला क्या हुआ, क्यों टेंशन लियो, बोले कुछ नहीं, दुकान का मामला है, आप नहीं समझोगी, आप घर में रहती हो, आपको क्या बताएं बाहर के बारे में। तो हमने कुछ बोला नहीं, हमने खाना दिया, खाए पिए सोए, सुबह उठे नहाए धोए नाश्ता किए, 9 बजे उन्होंने दुकान के लिए निकला। 9 बजे के पहले हमारे पास फिर संतोष शर्मा का फोन आया, बोले कि पापा कहाँ हैं, तो हमने बोला वो दुकान पे चले गए हैं। बोले कहाँ गए, तो हमने बोला दुकान पे चले गए हैं, अभी फ़ोन भेज के बात करवा रहे हैं लड़के से। फिर फ़ोन हमने भेजा दुकान पे, उन्होंने दुकान पे पहुँचा,
बोले हमारे बड़े बेटे ने चाबी और दुकान लेके चाबी और फोन लेके दुकान पे गया, तो बोल रहे बेटा दुकान खोलो हम 10 मिनट में आ रहे हैं। फिर उसके बाद से वो 10 मिनट बाद आए नहीं है। 10 मिनट बाद फिर हमें फोन आया 1.5 घंटे बाद संतोष शर्मा का, बोल रहे हैं कि उन्होंने निकले हमारे पास से। लखनऊ में संपूर्ण समाधान दिवस के तहत जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार तहसील बख्शी का ताला पहुंचे और जन सुनवाई की। इस दौरान समाधान दिवस में 2 महिलाओं की गोद भराई, 2 बच्चों का अन्नप्राशन और 1 बच्चे का केक कटवा कर जन्मदिन मनाया गया। और डीएम सूर्यपाल गंगवार ने निर्देश दिए कि संपूर्ण समाधान दिवस में आए हुए प्रकरणों का तत्काल गुणवत्ता पूर्वक निस्तारण भी कराया जाए। तो लखनऊ में समाधान दिवस पर पहुंचे सूर्यपाल गंगवार लखनऊ के डीएम ने इस दौरान जनता की समस्याओं को सुना, साथ ही संबंधित अधिकारियों को उनके निस्तारण के भी दिशा निर्देश दिए गए। श्रावस्ती में स्कूल चलो अभियान और संचारी रोग नियंत्रण अभियान का शुभारंभ हुआ है। बता दें कि इस अभियान की शुरुआत कलेक्ट्रेट में आयोजित भव्य कार्यक्रम से हुई, वही जिसका शुभारंभ डीएम सीडीओ विधायक जिला पंचायत अध्यक्ष ने दीप प्रज्वलित कर किया है, जिसके बाद डीएम के साथ अतिथियों ने हरी झंडी दिखाकर संचारी रोग नियंत्रण अभियान वैन को रवाना किया। इस दौरान बीएसए ने बुके देकर अतिथियों का स्वागत किया, जहां स्कूली बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को जागरूक किया। वही कार्यक्रम में बेसिक शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कर्मचारी के साथ शिक्षक और शिक्षिकाएं भी मौजूद रहे। प्रचार प्रसार जनपद में किया गया और जनपद स्तर पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। स्कूल चलो अभियान पिछले वर्ष माननीय मुख्यमंत्री जी ने जनपद श्रावस्ती से शुरुआत की थी। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से हमारे ज़िले में एनरोलमेंट 100% हो चुका है और हम ऑपरेशन कायाकल्प के तहत अपने स्कूल को इंफ्रास्ट्रक्चर की मूलभूत सुविधाओं से संतृप्त कर रहे हैं। नीति आयोग के फंड का भी इस्तेमाल कर हम शिक्षा के स्तर और गुणवत्ता में लगातार वृद्धि कर रहे हैं। संचारी रोग नियंत्रण अभियान में विभिन्न विभागों का कन्वर्जेंस है और सभी विभाग मिलकर इस अभियान को भी सफल बना रहे हैं। और हमारे शिक्षक हैं, शिक्षा विभाग की तरफ से, प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से, जिस तरीके से मेहनत लगातार करके और शिक्षा दर को आगे बढ़ाया है, और खासकर आज संचारी रोग नियंत्रण का भी कार्यक्रम था। संचारी रोग से बचाव के लिए जो हमारे स्वास्थ्य विभाग के मुखिया आदरणीय ब्रजेश पाठक जी की तरफ से प्रयास किया गया है माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में, निश्चित रूप से शिक्षा और स्वास्थ्य का दर हमारे श्रावस्ती में बहुत आगे बढ़ के और अपना कीर्तिमान स्थापित करेगा। नमस्कार। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश भर की तमाम बड़ी और ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।